हेलो गाइस, एक नए ब्लॉग में फिर से आप लोग का स्वागत है। और आज जो है हाई स्कूल यूपी बोर्ड जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट निकलने वाला है, तो हाई स्कूल का रिजल्ट 2 बजे से आएगा और इंटरमीडिएट का शायद 4 बजे से आएगा, तो 2 बजने वाले हैं। तो फटाफट से चलते हैं, एक मेरे दोस्त का दुकान है ऐसी, तो आप लोगों ने एक ब्लॉग में मैंने दिखाया था, वहीं पर चलते हैं और देखते हैं। और मुझे भी कुछ लड़कों का रिजल्ट देखना है, तो देखते हैं फिर बताते हैं क्या कैसा रिजल्ट आ रहा है। तो चलिए वहां पर फटाफट चलते हैं और देखते हैं। देखिए कितना ज़्यादा धूप है और हम फिर रिटर्न रूम पे जा रहे हैं क्योंकि उनका दुकान अभी खुला नहीं है। रूम पे ही जाएंगे और वहीं चेक करेंगे थोड़ा, यहाँ से कुछ ले ले खाने के लिए। सो गाइस, मैं गया था इतना ज़्यादा धूप में, लेकिन उनका दुकान नहीं खुला था, शायद वो कहीं चले गए थे। तो फिर वापस आया हूँ रूम पे, कुछ समोसा वमोसा लेकर और खा लिया हूँ। और फिर अभी दो चार लड़कों का देखता हूँ कि उन सबका क्या स्थिति है, हाई स्कूल का इस साल का जो मार्कशीट है, मतलब नंबर जो है, वो किस तरह से आ रहा है। और 4 बजे आएगा इंटरमीडिएट का, तो देखते हैं। एक दो रिजल्ट हमने देखा है, काफी ठीक ठाक नंबर है। और हाई स्कूल बारे में कुछ बात करने का आज मन कर रहा है क्योंकि हम सभी ने अपने लाइफ में हाई स्कूल का, अधिकांश लोगों ने पेपर दिया ही होगा। और हाई स्कूल में क्या होता है कि जब भी इंसान हाई स्कूल में जाता है तो एक अजीब सा डर लगा रहता है। 8वीं बार जैसे 9th में जाता है, 10th में उसके बाद जाता है, तो एक अजीब सा डर लगा रहता है क्योंकि लाइफ का पहला बोर्ड होता है। और डर लगता है कि इंसान कहीं फेल ना हो जाए, चाहे कुछ कम नंबर ना आ जाए। और आदमी अभी कम उम्र का रहता है, बातों को नहीं समझ पाता है क्योंकि हाई स्कूल का सिलेबस आगे जैसे जैसे आप लोग बढ़ते जाएंगे तो पता लगेगा कि कुछ इतना बड़ा है नहीं, कुछ इतना खास है नहीं। लेकिन स्टार्टिंग का पहला बोर्ड एग्जाम होता है, इसलिए लड़कों को बहुत बड़ा लगता है, बहुत डर लगता है। तो जिन लोगों ने हाई स्कूल की परीक्षा में सफलता प्राप्त किया उनको बहुत बहुत बधाई। और जिन भी परीक्षार्थी का अगर रिजल्ट नहीं बन पाया, वो फेल हो गए, तो वो लोग निराश ना हो, एक बार फिर से तैयारी करें। जिंदगी में फेल पास को लगा ही रहता है, तो एक बार और मेहनत करें तो आगे अच्छे अंक आएंगे आप लोगों के। और ये जो पास हो गए हैं, अब वो लोग कुछ लोग अपने अलग अलग चॉइस के अनुसार सब्जेक्ट लेंगे, आगे बढ़ेंगे, या जो उनको करना होगा वो करेंगे। भगवान उनको सफलता प्राप्त करें। और बस यही था। और आगे ब्लॉग में देखिए, अभी बहुत धूप है तो कहीं जाएंगे नहीं और निकलेंगे कहीं मुमकिन। और सच बताया ना तो आज जिनका रिजल्ट निकलने वाला होगा उनका उनका एकदम दिल धक 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 कर रहा होगा क्योंकि बहुत अजीब लगता है लड़कों को। कई तो अपना फोन स्विच ऑफ करके सो जाते हैं, अकेले चुपचाप देख लेंगे और फिर उसके बाद से फोन रख लेंगे। ऐसा होता है। मैंने क्या किया था, जब हमारा रिजल्ट निकला था तो मैं बता रहा हूँ, जब मैं हाई स्कूल में था तो हाई स्कूल में लड़के जनरली सबसे ज्यादा पढ़ते भी हैं। तो हमारे गांव से 3 लड़के थे, एक मैं और 2 और लड़के थे। तो हम लोग का सेंटर गया था। और यूपी के बारे में कुछ ऐसे ही भ्रांतियाँ रहती हैं, यहाँ नकल होता है क्योंकि कुछ है लेकिन अभी तो उतना नहीं है। तो हम लोग का जहाँ सेंटर गया था वहाँ कुछ नकल वकल नहीं होता था, कुछ भी नहीं। तो क्या हुआ कि हम लोग गए तो गांव के लोग बोलते थे कि यार हम लोग गए थे, हम लोग का सेंटर था तो हम लोग फेल हो गए, तुम लोग भी फेल हो जाओगे। और जनरली ऐसा होता भी है। और डर के गए हम लोग। हिंदी का पहला पेपर था मेरा और पेपर काफी अच्छा गया। पहले पेपर देखा, उसके बाद से पेपर अच्छा गया और उसके बाद से डर ऑटोमेटिक से निकल गया क्योंकि एकदम इजी पेपर पूछता है और आदमी पढ़ा हुआ था, सब निकल गया, अच्छे अच्छे से सब निकल गया। रिजल्ट की जिस दिन बारी आई उस दिन हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, एक तो मन में डर था। उस टाइम एंड्रॉयड फोन बच्चों के पास उतना नहीं होता था, तो हमने देखा एक भैया थे उन्हीं के मोबाइल में और तो काफी ठीक था। उन दोनों का देखा तो उन दोनों का मैथ में वो लोग फेल हो गए थे। और बाकी और भी लड़के थे जो अन्य कॉलेज स्कूल से पढ़ते थे, लेकिन जब मैं जिस इंटर कॉलेज से पढ़ता था तो वहाँ से 3 लोग हम लोग थे गांव के, तो वो लोग दिए थे, ठीक ठाक हो गया, बाकी लोग आगे निकल गए। उस दिन बहुत डर लग रहा था। शाम को आए हम लोग मिले, उस पर बहुत सारी बातें हुई और आगे क्या करना है। ये होता है हाई स्कूल के बाद एक और प्रॉब्लम बच्चों को फेस करना पड़ता है। बच्चे भले कितना भी सोच लें कि मुझे मैथ लेना है, इंटर में कॉमर्स लेना है, मतलब ग्रामीण में या फिर बायो लेना है, लेकिन फिर भी जैसे जैसे एग्जाम आता है ना तो वो सोचते हैं क्या होगा क्या होगा, मैथ में कब नंबर आएंगे, बायोलॉजी में कब नंबर आएंगे, अधिक नंबर आएंगे तो फिर क्या होगा।
जो वो सब कंफ्यूज होते जाते हैं, वो जनरली सबको होता रहता है। फिर वो लोग सोचते हैं मैथ्स हूँ या बायो हूँ, चाहे कितना भी आप वो डिसाइड कर लें, लेकिन थोड़ा सा मन में ये होता ही है कि मैथ्स लूँ कि बायो लूँ कि कॉमर्स लूँ आर्ट लूँ क्या लूँ। मतलब उसके बाद से आप एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट ही पढ़ेंगे, उसमें आप आगे बढ़ते जाएंगे। अगर मैथ लेंगे तो मैथ में आगे बढ़ते जाएंगे, अब ग्रेजुएशन में जाके वो हो जाएगा। तो ऐसा कुछ होता रहता है। तो मेरे को था कि मेरे को बायोलॉजी पढ़ना था शुरू से, तो फिर भी एग्जाम जैसे जैसे आते गए, आप मन में होता था कि मैथ पढ़े, क्योंकि सारे लड़के मैथ ले रहे थे, और जो मेरा सबसे क्लोज फ्रेंड था वो भी मैथ पढ़ रहा था। मेरा भी मन कर रहा था कि यार सब लोग छूट जाएंगे तो मोह माया, तो मैं भी मैथ के चक्कर में पड़ा हुआ था। लेकिन अंततः डिसाइड किया कि नहीं, मैं मैथ नहीं पढ़ पाऊंगा, मुझे बायो ही पढ़ना है। तो फिर मैंने बायो लास्ट में लिया, और बायो से ही आगे BSc भी किया मैं। काफी होता है, एक बार डिसाइड कर लीजिए और मेहनत करिए तो, और एक अच्छा स्ट्रीम चूज करिए, आगे क्या करना है उस पर एक एम बनाइए, और फिर ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, किस डायरेक्शन में जाना है कोई मतलब है नहीं। तो अभी आप लोग एक सब्जेक्ट चूज कर लीजिए, कैरियर देख लीजिए कि मुझे आगे क्या करना है, कैसे पहुंचना है उस रास्ते पे, कैसे चलना है। तो आप लोग देखिए और उसी पे आप बढ़ चलिए आगे, क्योंकि और जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती भी हैं, तो उसको क्या करना है तो उसको फेस करिएगा। जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं उसको फेस करिएगा, और आई होप आप लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, फिर आगे बनाए, उसी तरीके से आपका जीवन सफल हो। तो बस आज हाई स्कूल के बारे में बस ऐसा ही कुछ, आदमी बोल नहीं पाता है ना, बहुत क्रिटिकल माहौल होता है ये, मतलब लाइफ का पहला बोर्ड, मम्मी पापा सब लोग एकदम कॉन्शियस रहते हैं, यार लड़का 10वीं में पढ़ रहा है, बोर्ड का एग्जाम है, ये वो बहुत सारी चीजें ध्यान में रखी जाती हैं। तो चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं आगे, और भी कहीं घूमने वूमने भी चलेंगे तो वो सब दिखाएंगे। बाकी अभी तो हाई स्कूल वाले काफी रिलैक्स फील कर रहे होंगे, जिनका निकल गया होगा और जिनका लटक गया होगा वो तो फिर बैठे होंगे कहीं कोने में। तो भाई घबराना घबराना मत, कोई गलत का स्टेप मत उठा लेना, क्योंकि ये जो डिग्री है ये सर्टिफिकेट है, इससे कुछ डिसाइड नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो फिर अगली बार ट्राई करना, जिनका नहीं हुआ हो जाएगा उसके बाद से भी देखिए, इंटर का 4 बजे आएगा तो उसमें भी है कुछ दो चार लड़के, देखते हैं क्या उनका निकलता है क्या होता है। तो गाइस अभी देखिए मम्मी शाम होने वाला है, कल ही आया हूँ। तो क्या हुआ कि खाना बनाना था, तो अभी मैं सब्जी बना रहा हूँ और फिर घूमने जाऊंगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ सब्जी। देखिए आलू कचरू का सब्जी बना रहा हूँ, बहुत दिनों बाद लगभग 2 साल बाद खाना बना रहा हूँ, कैसा बनेगा पता नहीं। देखिए तो बनेगा फिर, सोचा हूँ कभी बना लेता हूँ, क्योंकि रात में थोड़ा सा गर्मी होने लग रहा है, कोई बना दूंगा फिर 2-3 घंटे बाद खा लूंगा, कुछ पढ़ूंगा फिर सो जाऊंगा। तो अभी लगभग लगभग हो गया है, और इसमें रोटी बना कर रख दिया हूँ। तो गाइस अब इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और कल फिर से नया वीडियो बनाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, लिए बाय बाय।